नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BSF हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एग्ज़ाम फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है कोविड के कारण, बट आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। इसमें सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे, और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम बताइए। तो दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मसल होती है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका नाम ध्यान से देख लीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। दोस्तों, ग्लूटियस मैक्सिमस ये होती है, इसे हम हिप मसल भी कहते हैं। हमारी बॉडी का जो है पूरा वेट यही मसल वहन करती है, इसीलिए ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल होती है। इसका नाम क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच में स्थित है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सिपकिला पास। कौन सा पास? जो दोस्तों सिपकिला दर्रा जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है, और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है। ठीक, सिपकिला दर्रा कहाँ है? किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, और इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी इज डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स। तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च निकाला था वह किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। दोस्तों, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 72 सहयोगियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तट पर गए थे, जहां पर उन्होंने नमक बनाया था और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ दिया था। तो ये किसका पार्ट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था। ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, By which constitutional amendment Sikkim become a new state in the Indian Union? तो SSC, GD और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाया गया? दोस्तों, पहले सिक्किम इंडिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन 36th अमेंडमेंट 1975 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया, और जो सिक्किम है वो भारत का कौन सा राज्य है? दोस्तों, 22वां राज्य है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, और प्रेजेंट में सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं PS तमांग, प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों गंगा प्रसाद। यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान है? यानी कि आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। दोस्तों, जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो उस समय पर एज अ प्रेसिडेंट भी काम करता है वाइस प्रेसिडेंट, और जो राज्यसभा होती है जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिसको हम सभापति कहते हैं, वह भी वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। प्रेजेंट में हमारे 13th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं श्री M वेंकैया नायडू। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, और इनका नंबर याद रखिए, 13वें नंबर के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी हड़प्पा? निम्नलिखित में से किस स्थान को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोथल। दोस्तों, लोथल गुजरात में एक हड़प्पन साइट है, ये एक पोर्ट टाउन हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में ही, मतलब यहाँ से समुद्री रास्ते के द्वारा व्यापार हुआ करता था, और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से
समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार होता था, तो आप बताएंगे लोथल। या अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा हड़प्पन जो स्थल है वो एक पोर्ट टाउन है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, लोथल। और लोथल जो है दोस्तों वो गुजरात में स्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज जॉइंड बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉलिक्यूल द्विगुण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O2। जो O2 के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, वह डबल कोवलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन वाटर कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो पानी में किस लवण की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, दोस्तों इसका आंसर है नाइट्रेट्स। जब पानी में नाइट्रेट्स पॉइजनिंग हो जाती है या नाइट्रेट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये होता कैसे है, जब 6 महीने से छोटा बच्चा जो है अपनी माँ का दूध पीता है, ऐसी माँ जिसने नाइट्रेट से संक्रमित वाटर का पानी पिया है, तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, यह ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इससे उसका शरीर जो है नीला पड़ने लगता है। इसी को नाइट्रेट पॉइजनिंग या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, तो आप बताएंगे नाइट्रेट सॉल्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हु वॉज कॉल्ड जिंदा पीर इन मुगल टाइम। तो मुगल काल में, मुगल शासन काल में किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, किसे जिंदा पीर कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि उदार था और मितव्ययी था और अपने जो नियम कानून थे वह कुरान के हिसाब से चलता था, इसीलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूज टू मेजर रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लेंस। तो ये क्वेश्चन हमारे CISF CT के एग्जाम में पूछा गया था, 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लेंस की अपवर्तक शक्ति को मापने के लिए उपयोग की जाती है, तो जो लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर है उसको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की अपवर्तक शक्ति को, रिफ्रैक्टिव पावर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है दोस्तों, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमोघवर्ष वॉज अ फेमस। तो ये क्वेश्चन भी CISF कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो अमोघवर्ष किस वंश के राजा थे, तो दोस्तों अमोघवर्ष जो है वो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से वंश के राजा थे, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, और ये कौन से धर्म को फॉलो करते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। ये अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, होपमैन कप इज रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट्स। होपमैन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है CISF के एग्जाम में। ये सब CISF वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस। होपमैन कप जो है, और स्पोर्ट्स से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो होपमैन कप जो है दोस्तों वह लॉन टेनिस जो खेल है उससे संबंधित है, ठीक। और होपमैन कप कौन से कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में, ठीक है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक इन ह्यूमन बॉडी टू हेल्प इन डाइजेशन। तो हमारे जो फूड होता है उसके डाइजेशन में कौन सा एसिड हेल्प करता है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो भी हम फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है और काफी बार हमारे एग्जाम्स में ये रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अधिक से अधिक कैंडिडेट देखेंगे, तो मैं BSF हेड कॉन्स्टेबल और CT क्रू के लिए 10 वीडियोज़ बनाऊंगा GK की, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।